फिलहाल अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो बस आगे का सफ़र यहाँ से शुरू होगा। तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है कि नया सफ़र कौन सा शुरू होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं इंटरनेशनल डिपार्चर पे हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वियतनाम हनोई। तो अभी VJ910 हनोई 11 बजे की है और K8 से K14 काउंटर नंबर, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड मुंबई एयरपोर्ट। सिक्योरिटी चेक इन हो गई, हार्डली 1.5 आवर्स लगा, मतलब 1.5 घंटे के आसपास में सिक्योरिटी चेक इन भी हो गई। थोड़ी सी मुझे देर लगी क्योंकि काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैरी साथ में करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बैग आपका साइड में चला जाता है और अलग से आपको सभी लैपटॉप या कैमरा से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलग से निकाल के दिखाना पड़ता है। तो सीधा मिलते हैं वियतनाम हनोई। वेलकम टू हनोई नोइबाई एयरपोर्ट। तो आफ्टर 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद अभी फ़िलहाल यहाँ पे बजे है 5, तो इंडिया से 1.5 घंटा आगे चलता है। तो यहाँ से अभी फॉर्मेलिटी सिक्योरिटी चेक इन करके मिलते बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनल एयरपोर्ट से सारी प्रोसेस हो चुकी है और काफ़ी लंबी लाइन के बाद, इमिग्रेशन की काफ़ी लंबी लाइन थी, कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया, सिर्फ पासपोर्ट वीज़ा भी नहीं देखा और स्टैंप लगा के आपको एग्जिट कर दिया। $50 की ही करेंसी एक्सचेंज की एयरपोर्ट से, क्योंकि रेट इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से मुझे जाना है सिटी में तो थोड़ी सी करेंसी चाहिए, तो इसलिए मैंने $50 ही कन्वर्ट की है, बाकी मैं सिटी में जाके करूँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं सिटी में जाऊँगा बाई बस। तो सिटी सेंटर जाने के लिए सामने एक बस भी खड़ी है 86 नंबर, तो लेट्स सी कि सिटी सेंटर नाई बाय एयरपोर्ट, तो इनसे जनाब से पूछते हैं। सिटी सेंटर जस्ट मिनट, दिस ध्यान रूम ओके। India good and Vietnam. Vietnam lo good, Vietnam VC lo good. Oh. Vietnam also good. Oh, Vietnam lo good, Vietnam VC lo good. India good. So aate hi hardly half an hour airport se laga bus stand. Vietnam chaila. Aur yahan sabhi main mere chaila. What? हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये ग्रैब टैक्सी कर ली। सुबह सुबह यहाँ पे अभी 7:30 बजने आए और ये खान पीन शुरू हो गया है। थोड़ा सा करेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है,
कि करेंसी मैंने अभी तक चेक नहीं की है और क्या रेट है किस हिसाब से, तो मैं ज़्यादा दे ना दूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बड़ी करेंसी देख रहा हूँ, मतलब मिलियन, और इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता, 2000 के ऊपर नोट नहीं होती करेंसी, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि मैं गलती से बड़ी नोट ना दूँ। भाई साहब भी ढूंढ ही रहे हैं, मुझे लगता है ये भी पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हो क्या वियतनाम? मिल नहीं रहा है आपको एड्रेस। देखो इन्होंने भी मैप ओपन किया। स्टार्ट, ओके, गॉट इट। चलो तो फाइनली मैप लगा दिया, नज़दीकी है, नहीं तो घूम ही रहे थे। फिलहाल पहुंच गए हॉस्टल, सिटी बैकपैकर हॉस्टल। हॉस्टल में फ्रेश तो हो चुका लेकिन अभी रूम अलर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये सुबह की चहल पहल बहुत ही अच्छी लग रही है। और ब्रेकफास्ट तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉनवेज का बहुत ही है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने मुझे वियतनामीज वेजिटेरियन लिखा तो है यहाँ पे, वियतनाम इन क्यूजिन इन वेजिटेरियन, तो देखते मेनू भी लगा है। हेलो, वेजिटेरियन लिखा है, पूछते हैं उससे। यानी वेजिटेरियन फूड इंडियन और वेजिटेरियन? वियतनामी वेजिटेरियन फूड, ओके, अवेलेबल नाउ? What you suggest? Your breakfast here. For breakfast? Yes. And lunch. Also lunch? Huh? Also lunch available right now? Yes, yes. In vegetarian? This all? Yes. Okay. तो भाई अभी तो फिलहाल सुबह के 9:30 बजे और लंच करो या ब्रेकफास्ट दोनों एक ही है, तो ये स्टीर फ्राइड राइस, टोफू विथ टोमेटो सॉस, टोफू वेजिटेरियन करी विथ टोफू, 89,000। तो यहाँ की करेंसी डोंग है और 89,000 लाख 5 लाख वैसे कुछ चलता है यहाँ पे, बान भी कुछ ऐसा दिखता है, आके देखते 45,000 डोंग, सब जैसा ही है। में खाने के बाद थोड़ा सा यहाँ से आगे पहले सिम कार्ड ले लेते हैं, और स्माइली फेस, लॉट्स ऑफ स्माइली फेस जो भी मिलता है उनके चेहरे पे एक मुस्कान, हल्की सी मुस्कान रहती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बाइक्स देखिए आप, इतनी सारी बाइक्स है, लॉट्स ऑफ बाइक्स। तो जब तक अभी रूम अवेलेबल नहीं होता तब तक थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं सिम कार्ड ले लेता हूँ। अभी धीरे धीरे मैं वियतनाम में, मतलब पहला दिन है, मतलब अभी जब शुरुआत हुई है थोड़ा सा सेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा करेंसी का गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ ना और खाना खा रहा हूँ, कुछ परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है। देखो आप, तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है जहाँ पे लोग कुछ तो उनका कल्चरल फूड खाना खा रहा है। अभी देखता हूँ मैं यहाँ पे सिम कार्ड कहाँ पे मिल जाए। तो सिम कार्ड परचेस हो चुका है और 2 लाख वियतनाम डोंग में मुझे ये पड़ा है, बट 1 महीने के लिए है और ओवरऑल वियतनाम में चलेगा 4G अनलिमिटेड पर डे, बजट में लगा तो मैंने ले लिया है। तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे जो ठीक लगे उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत थी तो मैंने परचेस कर लिया। तो बैक टू द हॉस्टल, अभी देखते हैं आज का वॉकिंग टूर होने वाला है तो वो ट्राई करते हैं। करेंसी एक्सचेंज करना मैंने एयरपोर्ट पे थोड़ा सा ठीक समझा, थोड़ा सा मैंने करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट पे कर लिया था, $50 जो मुझे मतलब यहाँ तक आने के लिए काम लगा। थोड़ी सी गड़बड़ हुई करेंसी में, कहीं पे मैंने ज़्यादा पे कर दिया। तो फिलहाल अभी दोपहर के 1 बजे और अभी खाने का समय है, तो वियतनाम में एक अच्छी बात है कि यहाँ पर वीगन फूड आपको अवेलेबल मिल जाएगा।
वॉकिंग टूर है, तो मैं फटाक से जल्दी से जाता हूँ हॉस्टल पे और वहाँ से फिर थोड़ा सा वॉकिंग टूर करेंगे सिटी का। लॉट्स ऑफ स्टेट्स इन लॉट्स ऑफ पार्ट्स इन इंडिया, तो नियर बाय लाइक या न्यू दिल्ली, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू माय प्लेस अराउंड 10 to 12 आवर्स। अभी फिलहाल मैं वॉकिंग टूर पर निकल चुका हूँ और मेरे साथ मुझे वॉकिंग कराएंगी व्हाट्स योर नेम, वियतनाम के जो भी अच्छे प्लेसेस रहेंगे वो मुझे टूर कराएंगे।